स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ EVS का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा वीडियो 42 है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज है फर्स्ट। देखो, वेल्स एंड बायोरीज, क्या है ये? वेल्स, बायोरीज एंड इसमें क्या आएगा ब्लैंक में? बोरवेल आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है, वाटर इज हाउसेज कम फ्रॉम वाटर टैप्स एंड बोरवेल। ठीक है, थर्ड देखो, ए वेल इज राउंड एंड ए बायोरी इज स्क्वायर। इसमें क्या आएगा? स्क्वायर। देखिए, जो वेल होता है, कुआं राउंड होता है, कुआं गोल होता है, आप सभी जानते हैं, और बावड़ी कैसी होती है? स्क्वायर शेप में होती है। देखो नेक्स्ट है, वाटर इज क्लीन्ड बाय स्ट्रेनिंग, बॉयलिंग एंड मशीन। ठीक है, आरओ मशीन जो होती है उससे वाटर जो है वो क्लीन होता है ना, प्योरीफाई होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आप एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन देखिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको देखो इस पिक्चर को देखना है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेन वाटर कलेक्शन प्रोसेस। देखिए बच्चों, आपको ये लिखना है इसमें कि जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, हम उसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस पिक्चर को आपको देखना है और यहाँ पे लिखना है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे, रेनफॉल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। रेनफॉल जो है, ये बारिश कहाँ दिखाई दे रही है आपको, कहाँ पे गिर रही है? ये छत पर है ना, घर की छत पर। नेक्स्ट है, फ्लूटर ऑफ वाटर बाय ड्रेन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? वाटर ड्रेन हो रहा है, यहाँ से वाटर ड्रेन होकर क्या कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। थर्ड है, वाटर फ्लो डाउन द रूफ बाय पाइपलाइंस अटैच्ड टू द ड्रेन्स। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट है। अब अगला नेक्स्ट 4 पॉइंट देखिए आप। 4 है, गैदरिंग इन द वाटर टैंक क्लीन विद फिल्टर्स इन पाइप। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि जो पाइप में जो पानी होता है उसको फिल्टर करके, उसको क्लीन करके वाटर टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके 4 पॉइंट आप लिखेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, वेल्स एंड बायोरीज आर अवर इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्स, ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। आपको इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर को देखना है और आपको ये बताना है कि वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होता है, पानी को हम शुद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप फर्स्ट लिखेंगे, बॉयल द वाटर एंड क्लीन इट। पहले क्या करेंगे? वाटर को बॉयल करेंगे, उसे क्लीन करेंगे। नेक्स्ट 2nd पॉइंट है, मिक्सिंग केमिकल इन वाटर टू प्योरीफाई इट। सेकेंड में क्या हो रहा है? जो केमिकल है वाटर का, उसे वो मिक्स हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? उससे प्योरीफाई हो जाएगा। थर्ड देखो, फिल्टर वाटर वॉज अ क्लीन क्लोथ टू मेक इट, है ना। और थर्ड क्या है? थर्ड ये हो गया। और 4 है, प्योरीफाइंग द वाटर बाय आरओ मशीन। और आरओ मशीन से क्या होता है? पानी प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो आप, लुक एट द पिक्चर ऑफ माही डैम गिवन बिलो एंड राइट एनी 3 questions of obtain additional information about this dam। ठीक है, ये जो बांध दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कौन सा है? माही डैम है, ये माही बांध है, इसको आपको देखना है। और राइट एनी 3 questions, इसमें क्या लिखने हैं आपको? 3 questions लिखने हैं इसके अंदर, जो ऑप्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो इस डैम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस सूचना मिलती है। फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? माही डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर। सेकेंड, द माही डैम इज़ लोकेटेड इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आप यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, आपको इतना ही लर्न हो जाएगा, काफ़ी है। देखो आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन जो 4 है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन के, और जो वो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने कराए थे आपको, वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं बच्चों, और आपको लर्न करना है। थैंक यू।